सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। हेलो गाइस, फिर एक नई वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है बहुत मोस्ट टॉपिक है, मुंह की दुर्गंध, यानी कि मुंह से जो बदबू आती है तो उसको कैसे दूर करें। तो दोस्तों, बहुत आसान सा आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसके कारण आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके कई कारण हैं जिससे हमें जो है इस दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। तो दोस्त, इससे जो है दुर्गंध अगर आपके मुंह से आती है तो हमें किसी शादी में, पार्टी में जाने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर हम उससे बात करते हैं तो वो बंदा हमसे कह देता है कि तू दूर हटकर बात कर, तेरे मुंह से बदबू आ रही है, जिसके कारण हमारी जो है निगाहें नीचे हो जाती है, हम उसके उसके सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो दोस्तों, ये इसके कई कारण हैं। तो दोस्तों, नंबर वन कारण जो है, आप जो है रात को खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सो जाते हैं। तो दोस्तों, उसकी एक कमी ये है कि खाना खाने के बाद आपको कुछ भी और खा ले या और आपने इसी ऐसी सो गए, आपने जो है दांतों को अच्छी तरीके से साफ नहीं किया, आपने मुंह कुल्ला नहीं किया, तो आपको ये ज़रूरी है। तो रात को खाना खाने के बाद या कुछ भी खाने के बाद आप अच्छी तरीके से अपने कुल्ला करें, और अगर आपके दांतों में खाना अटक गया है तो उसे जो है आप दातुन करें, रात को सोते वक्त भी दातुन करें, और सुबह को डेली रोज़ाना आप अपने दातुन करें, दांतों को अच्छी तरीके से साफ़ करें, और अपनी जीभ को भी जो सफ़ेदी आती है उसको भी साफ़ करें, जिससे जो आपकी ये दुर्गंध भी दूर होगी और आपकी जीभ भी साफ़ दिखेगी, अच्छी लगेगी। और दोस्तों, इसके बाद जो नंबर दो पे है, आप जो है आपके दांतों में पायरिया है या दोस्तों आपके मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों में सूजन है, या आपके दांतों में कीड़ा है, तो उसकी वजह से भी आपके जो है दांत मुंह से बदबू आएगी। तो इसके जो है इसके कारण जो है आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ सूर्यमंजन का इस्तेमाल करना। आपको सूर्यमंजन आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, 45 रुपये का आपको ये डिब्बा मिलेगा, पाउडर, इसमें पाउडर की तरह ये मंजन होता है, लिक्विड की तरह नहीं होता है। तो दोस्तों, ये ना तो आपको जो है इसको जो है सूर्यमंजन को इस्तेमाल करना है, रात को और सुबह को उंगली से इसे मारना होता है, और गुनगुने पानी से आपको इसके कुल्ला करने होते हैं। इसके बाद आपको दोस्तों, अगर आपका पेट ख़राब रहता है तो उसके लिए आपको त्रिफला का इस्तेमाल करना है, या हम जो नुस्खा बता रहे हैं उसका इस्तेमाल करना। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हैं, बताते हैं आपको ये नुस्खा। तो आपको करना क्या है, ये देखिए स्क्रीन पर दिख रही है, इसका नाम हर कोई जानता है, इसको जो है मुनक्का कहते हैं। तो डेली आपको रोज़ाना 5 दाने मुनक्का के सोते वक्त लेने हैं, और सोते वक्त आपको ये दाने मुनक्का के खोल, इसके बीज निकाल कर खा लेने हैं, और ऊपर से जो है कुल्ला करके सो जाना है। 15 दिन इसका इस्तेमाल करें, आपके जो पेट की खराबी वो भी दूर हो जाएगी, पेट में कब्ज़, ऐठन या बदहजमी रहती है, पेट में जो है जो पेट में दर्द रहता है, या आपका पेट खुलकर साफ़ नहीं होता है, तो दोस्तों आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, और आपके मुंह से दुर्गंध आती है तो आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल 15 दिन तक करना है, ये नहीं कि 1-2 दिन कर लिए और सोचें कि आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, या ख़त्म नहीं हुई तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो आपको ये 15 दिन इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।